दी, जो उनकी बीमारी थी, समस्या थी घर में, लड़की की, बहू की, कुछ भी है, सारी खोल कर बता दी। अच्छा, मारे तो रुए खड़े हो गए, मार कमाल है। आप भाई साहब कहाँ से? मैं हूँ भाई साहब रोहतक परावर से। पहली बार आए हो? नहीं जी, मैं आऊँ दूसरी बार। पहली बार बाबा जी ने कत्ती खोल के फिल्म नू दिखा दी, अगर भाई मेरे घर का एड्रेस पूछ गए, एक एक चीज नू बता दी, जैसे बंदा घर पे बैठे और वो बता आगे हो जाए, जैसे कोई यूं बता रहा है कि भाई घर तक कोई फोन करके नू बताओ इनके कमरे इतने हैं, इनके घर में के सदस्य है, माता जी अब कहाँ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब मैं तो बहुत घूमया, मेरी मिसिज बीमार होगा, मेरी की दिक्कत है। अच्छा। मन कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हाँ कोई बैद नहीं, 40-50 लाख रुपये ला के बैठा हूँ। लेकिन उस दिन याद आया बाबा ने इसे तरीके से बताई, मेरे तो खैर गांव का नाम पूछा था, गांव में पहुंच गए, मेरी गला जो साथी थे उन तनु भी ना पूछे गांव का नाम के, सीधी जो उनकी बीमारी थी, समस्या थी घर में, लड़की की, बहू की, कुछ भी है, सारी खोल कर बता दी। अच्छा, मारे तो रुए खड़े हो गए, मार कमाल है, जय इस तरीके से इलाज भी हो गया, मित्र केस है, बाहर के, हाँ सब कुछ बता दिया, टाइल का कलर भी बता दिया। अच्छा, अंतनियों को वहाँ मैंने घर आला थे कही, माता जी गणेश दिन तक कह रही थी बोला भाई चले आ जा, फिर गवाना आ रहे थे किसी काम आगे, उस दिन रखना बैठे गया। लेकिन एक चक्कर और है, जब बाबा जी जिस तरीके तो उन्होंने बताई है ना, उस तरीके तक अगर उन्हें इलाज भी कर दिया ना, तो हमने कहा इस तो बड़ा भगवान नहीं है कोई भी, काम का दुनिया पागल हो रही है। बिल्कुल विश्वास की बात है, इलाज होना न होना ये विश्वास। उस दिन बताया, उसी के पर्पज से हम यहाँ पे आए अभी, ठीक है। मैं मेरी मिसिज ने ले रहा हूँ और भी दोस्त की फैमिली है, यारे प्यारे हैं, सब ने ले आया हूँ, मेरा मन भरा, मेरा पेटा भरा, तो इसलिए मैं उनको लेके आया हूँ, मन ने तो सोलिड काम लग रहा है। चलो, और नाम क्या आपका? मेरा मोनिंदर कौशिक, हूँ तो दुनिया दुकान बनाए बैठी है, लेकिन जो आड़ा हिसाब किताब लगा बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल सही बात है, कोई फंड किसी तरह का नहीं बताते, नहीं किसी तरह का, कोई ड्रामे नहीं, कुछ करना नहीं, ठीक है। और आधा आदमी वो ठीक कर दे, कोई बहम लेका हो तरह परा कुछ नहीं, जो हो है क्लियरिटी वह बताओ, ना किसे चक्कर हम बांटते। बिल्कुल धन्यवाद, हाँ, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके साथ हैं क्या? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए, बड़ौता धाम में आने के लिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ये गोहाना है, आप सोनीपत जिले में गोहाना है तहसील, अच्छा बड़ा शहर है गोहाना, रेलवे स्टेशन भी लगता है गोहाना से, सोनीपत रोड पर सिर्फ 3 किलोमीटर चलते ही पहला ही गांव नगर बड़ौता है, वहां पर भोले बाबा के नाम से, किसी को पूछ लेना भोले बाबा के जाना है भाई, भोले बाबा के धाम पे जाना है तो वहां आपको, यहां धाम पे आपको लोग भेज देंगे या रास्ता बता दिया जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी। आप फोन पे भी अपना नंबर लगवा सकते, पूछा कराने वाले मंगलवार से शुक्रवार तक फोन पे 100 रुपए की पर्ची कटवाएं और फोन पे ही अपना नंबर लिखवाएं और वो पर्ची आपके पास नंबर की पहुंच जाएगी फोन पे ही, और उसी दिन उसी तारीख को आए आप। शनिवार, एतवार और सोमवार को 3 दिन, शनिवार को झाड़ा लगाया जाता है, संडे को भूत प्रेत और प्री प्राय की देखी जाती है, और सोमवार को जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते, निसंतान दंपति हैं, उनके लिए बच्चे दिए जाते हैं यहाँ पर, बाबा ऐसा कह रहा है। 100 रुपए की पर्ची है, किसी भी दिन आप कटवा सकते हैं और अपना नंबर लगवा सकते हैं। आप रोहतक से गोहाना आ सकते हैं, सोनीपत से गोहाना आ सकते हैं, पानीपत से गोहाना आ सकते हैं, पंजाब से, इधर से, कहीं से भी, जींद से गोहाना आ सकते हैं आप, हिसार से गोहाना आ सकते हैं, कहीं से भी गोहाना आइए, और गोहाना से सोनीपत रोड पे चलते ही बाईपास का जो ओवर ब्रिज है वही वहीं पर बड़ौता नगर बड़ौता है। तो फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, धाम के आप संपर्क कर सकते हैं, फोन पे करके अपना नंबर लिखवा सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि कोई भी दुखी, कोई भी व्यथित, कोई भी बीमारी से ग्रसित, संकट से ग्रसित लोग देखें तो आपका भला माने, आपका एहसानमंद रहे, इसलिए आपका कुछ नहीं लगता शेयर करने में, वीडियो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास जरूर भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लोक प्रसार चैनल देख रहा है सारे भानु भाइयों, मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भानुर भाइयों फिलहाल खड़े हैं भोले बाबा बड़ौता वाले के धाम पर, और यहाँ पर आज शनिवार है भाई, झाड़ा लगाया जाता है, शनिवार को यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है, और उसी चीज को देखने के लिए है कि वास्तव में किसी का आराम हो है कि नहीं हो। हम शनिवार को नहीं आए थे अभी तक, झाड़ा बताया गया था कि झाड़ा लगाया जाता है, लेकिन देखने के लिए पहली बार आया है कि शनिवार को जो झाड़ा लगाया जाता है उसको किसी को आराम मिलता है या नहीं मिलता है, किस प्रकार झाड़ा लगाते हैं, क्या पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं,
और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए, जैसे एक बुजुर्ग महिला है, नजदीक आके दिखाइए, काफी परेशान है। अच्छे भाई साहब, आप झज्जर झज्जर से क्या पैरालाइज है इनको? हाँ, पहले भी लाए थे, पहले भी लाए थे। पैरालाइसिस भी है इसको, अंदर गांठ है, पेट में गांठ है। कितने दिन से? ये तो हो गया 8 महीने। 8 महीने से काफी बड़ी है, पूरा पेट फूल रहा है भाई। लीवर में? अच्छा अच्छा, बहुत टाइट, बहुत बड़ा पेट हो रहा है भाई लीवर के कारण। तो एक बार कैमरामैन से तो वहाँ दिखाएं, एक बार सभी पब्लिक को दिखाएं, नीचे करके थोड़ा सभी को। बैठे हैं भाई, कुण कुण दोबारा तिबारा कौन कौन आए, एक बार आठाओ, एक बार दो बार आए हो, तीन बार आए हो, कोई है ऐसा? ये इधर है, इधर है। कहाँ से हैं? हम पोरंगी से जी, पोरंगी से जिला रोहतक कदोईया का। अच्छा अच्छा, आपको क्या समस्या है? मेरे को कैंसर भी थी। हाँ। और इन्फेक्शन भी था। अच्छा। एक ये हार्ट अटैक भी था। अच्छा। और एक बार थायमेट के बोले एक वो थी। कितनी बीमारी है, मेरे तो गिनती भूल गया मैं, के था कैंसर जी। कैंसर कहाँ पे? यहाँ पेट में। अच्छा, और ना शुगर नहीं तो वो हार्ट अटैक। अच्छा, और ये इन्फेक्शन है। अच्छा। हाँ, अरे वो थायराइड के बोला हुआ, थायराइड। हाँ, वो ये। अच्छा, ये बीमारी थी। इतनी बीमारी थी? हाँ। तो सब तो मोटी बीमारी, तो कैंसर, इसका तो नाम लेंगे नहीं, ज्यादा हाचड़ है लोगों। नहीं, नहीं, मेरे को तो यहाँ आए बस है, ठीक हो गया, कति बिल्कुल ओके हो, बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल। एक टाइम लग गया, अजीब धाड़ा लगा, कमाल की बात है भाई। कैंसर फिर किसी को मेरे गाँव की जनानी ने बताया था, उसके साथ फिर मैं ले गए यहाँ आए, मैंने यहाँ दो तीन दिन, दो चार चार बार आए, मेरा आराम हो गया पूरा पूरा, बिल्कुल ठीक है, ये पति बिल्कुल ओके, थायराइड भी नहीं है, कुछ नहीं, बीपी, हार्ट अटैक का कुछ नहीं, हार्ट अटैक वाला ताले तीन और क्या ना पावर, तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट पावर है। तो सबसे बड़ी बीमारी तो कैंसर की थी, आपने चेक करवा लिया? हां, कति बिल्कुल, बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट है, कति। क्या बात, आप अपना फोन नंबर बता सकते हैं? हां, बताएं एक बार मेरे दर्शकों को फोन नंबर। 98-138-0-39-36। ये नंबर है भाई भाई साहब का, और आप पूछ लेना इनका कैंसर ठीक हुआ है, थायराइड ठीक हुई है, हार्ट अटैक जो ब्लॉकेज थी वो ठीक हुई। तो ये समस्या है भाई, इतनी मोटी मोटी समस्या सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसी बीमारियां भी ठीक होती हैं, क्योंकि काफी कहें बोला झाड़त है कैसर हो है। यो देख लो तेरे सामने सर हो, इस बहन जी का दूसरी बार आई है, दोरों में फर्क है। और मैं तो भाई हर रोज जनता बीच में पूछू, यो मैं न जानता ना, मैं इसने जानता ना, और कोई है ऐसा जो पांच चार बार लिया और ठीक नहीं हुआ उसे कोई? अच्छा, आप जी कहाँ से हैं भाई? एक और बैठा है भाई, ये तो आप तो पहले भी बात करी थी ना मैंने एक दिन, बात नहीं करी जी, आप इच्छुक थे बात करने का, मैं बोला वो रुक जाओ थोड़े। अच्छा, रुक जाओ, ठीक है, कर नहीं पाए बात। कहाँ से हैं आप? मैं मोर खेड़ी था जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बेटा आपका? हाँ बेटा जी, मेरा 5 साल का है। 5 साल का? हाँ। अच्छा जी, मेरी ना जी अड़को रिश्तेदारी। अच्छा, आपकी त्रिया मैं निष्पक्ष कहनी हूँ जी, बताए आप ना, तो मेरी को रिश्तेदारी ना, मेरा को कमीशन। खड़तल बगा दे आज की झूठ से, 7-8 बा लिया जी, 7-8 पे, 7 तीसरा महीना लाग लिया हमने। अच्छा, मेरे बेटे का जवाब दे दिया डॉक्टर ने सारे ने। अच्छा, चंडीगढ़ वाला नहीं दे, दिल्ली ने दे दिया, सोनीपत दे दिया, रोहतक पीजीआई सारे के दे दिया। अच्छा, बोला भाई का कोई इलाज नहीं, इसका है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशी कमजोर होती चली जा रही जी। हां बिल्कुल, हड्डी टूटने लग जा। अरे तो झाड़ा आया ये नवले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अर्जी मैंने इन्हें माड़ी मोटी दवाई दी, बाबा झाड़ा लग गया, ये गए कम से कम 35-40% आराम जी। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल जी, पिंडी कटी इतनी शक्ति, आप हाथ लागे देखो जी भी गए, फर्क है ना, अंदर से अभी भी थोड़ी बहुत है, मतलब थोड़ी बहुत रह रही है जी, लेकिन देखिए बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे जो करो फर्श है ना, आंगली को ना गड्ढा इतनी टाइट थी जी, बिल्कुल चलते चलते गिर जा रहा था, 35-40% आराम जी गए। अच्छा। हाँ, चमत्कारी दाम लग गया जी, मैंने तो साचा दरबार लग गया जी। अच्छा। आप इनकी पत्नी है? अच्छा, ये छोटा इससे, ये स्वस्थ है? ये ठीक। अच्छा, आप मानते हैं क्या, आप ठीक कह रहे हो? बाबन की ले जाएगी बिठा। अच्छा, आराम है बिल्कुल, बस बस बेटा, बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और फिर मिलेंगे आपसे,
जरूर आपका खुद का इंटरव्यू लेंगे हम, ठीक है ना। वेरी गुड। देखिए भाई, इतनी खतरनाक बीमारी जिससे मांसपेशियां कमजोर होती है, हड्डियां गलनी शुरू हो जाती है, वो बीमारी थी इस लड़के को। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 2 करोड़ रुपए तक खर्चने के लिए। 16 करोड़ का इंजेक्शन। 16 करोड़ का इंजेक्शन वो भी बाहर है, विदेश में क्वारंटाइन लगवा ले, यानी के फिर ये 16 करोड़ रुके को लग सारी उम्र में सांस भी कौन लेंदे 16 करोड़, तो क्यों इतने खत्म हो ले। 16 करोड़ बहुत हो है, और गरीब आदमी के लिए क्या भाई, अमीर आदमी के लिए बहुत हो है। तो आज ये 35 से 40% बेटा ठीक है, खड़ा नहीं आ जाता था, चलते को चक्कर आते थे, अब ये खड़ा होने लग गया, चलने लग गया है, और इसकी मांसपेशियां हैं जो इतनी टाइट थी पत्थर की तरह, वो बिल्कुल लूज हो चुकी हैं। और ये आपके सामने, नाम क्या है बेटे का? अर्जुन। अर्जुन चला दे तीर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं जी मारे से है? मारे से मारा युवाड़े से यो एक ना दूसरा दुआ मारा। अच्छा, वो एक और भी मारा है? हाँ जी। के तकलीफ थी जी? मेरे डिस्क में दिक्कत थी और सर्वाइकल था, मेरा राम हो रहा है। क्या झाड़े लुआए? मेरा पांचवा था यो। पांच झाड़े में? हाँ। क्या झाड़े में ठीक होगी थी? मेरे दूसरे में आराम हो गया था। दूसरे में आराम हो गया था? फिर तो बावड़ी सही बाड़ा लगा ला रहा, कोई ना है ना खर्चा करे कुछ ना है, जब आराम होने लग रहा था क्या दिक्कत है? दूसरे झाड़े में सर्वाइकल था, कमर में डिस्क में प्रॉब्लम थी, डिस्क में ज्यादा दिक्कत थी जी मेरा। ठीक होगी अब? हाँ आराम है मेरा। अच्छा, मैं गोबर की हेल भी नहीं ठास को थी। गोबर तो के उठे को जंदा हुआ तेरे पे? हाँ, मैं मतलब दुखी थी, ये मेरा इतना आराम है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, ना तो मेरा कोई आराम नहीं था पहला। क्या बात है, नाम क्या जी आपका? रोशनी। रोशनी मारा से? हाँ। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। तो नूना क्या है कि ठीक से के काम आ रहे हो? हाँ जी, कती जाने तो हजार हम। हाँ। कह दू दुनिया ने भाई ठीक हो। हाँ, कती। तेरा नाम ले कहूंगा, कह दो। सुमन कहो है? हाँ, कह दो जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं जी? इनके साथ हैं और भाई। आप रोहतक से? पहली बार आए हो? इसको लेके आए जी, मैं कई बार ले। अच्छा, क्या तकलीफ से इनका है? थोड़ी सी जगह दोगे मैंने आने की? एक बार इसके पैर में दिक्कत है जी। पैर में? पैर के तकलीफ हो रही थी पैर में। उधर से बना दे भाई, इधर लाइट आओ आगे। पहली बार आई? हाँ जी, पहली बार ही आई हूँ अभी। पहली बार आई है? और आप? मैं तो कई बार ली, मैं तो बच्चे के लिए आई थी, मेरा पूरा हो रहा काम। अच्छा। हाँ जी, बच्चे के लिए आई थी? हाँ जी। मुझे कितनी साल होगी साथी को? इधर से बना लो। नहीं, मेरे को तो बहू को लेकर आई थी मैं तो। बहू को? हाँ जी, उसको। अच्छा। पहला लड़की थी, जब पीछे उसके बच्चा नहीं हुए थे। अच्छा। तो बाबा की दया से अब से गोद भर रखी उसकी। अच्छा। हाँ जी। क्या अब पूरा 8वां महीना लग रहा है, अब अच्छी तरह सुख शांति देखो। जो भी इसको बताई थी वो चलो बड़ा सट्टा के काम आओगे, दर्द ठीक करने का काम है। पहली बार आए हैं? तीसरी बार। हाँ जी। सिंधु बॉर्डर से? नहीं नहीं, बदरपुर बॉर्डर। कौन बॉर्डर? दिल्ली वाले ये सारे एक से हैं। अच्छा, क्या तकलीफ से है? मेरे इस मुंह में परेशानी है। मुंह में? हाँ जी। ये पैरालिसिस का झटका हो रहा है? हाँ जी। हाँ, लग रहा है टेढ़ा टेढ़ा मुंह थोड़ा। हाँ जी। तो यहाँ आने से कुछ फर्क पड़ा दो बार में? 19-20 का कुछ थोड़ा सा है। चलो, कितनी साल होगी इसको झटकाए हुए? 18-19 साल हो गए। 20 साल होगी संभाली को नहीं, इसका मतलब तू कैसा होता? चलिए जा संभालने तो कोई छोड़ दे नहीं कुछ भी जगह। अच्छा, सारे डॉक्टर ले गए कहीं जने? एक एक हॉस्पिटल जो बड़े। अच्छा। से बड़े जन हॉस्पिटल उनमें गए लेके, जो मेन हॉस्पिटल वो सारे छान रखे दिल्ली के मेन हॉस्पिटल। दिल्ली में से मेन तो सारे अपोलो में 15-15 दिन 20-20 दिन एडमिट रह ली। अच्छा, कोई बीमारी सामने नहीं आती और मुझे परेशानी। चलो, यहाँ आएगी आगी बीमारी से मेरी ठीक हो जाएगी, फर्क होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। हाँ, कहाँ से है जी? कुमारसपुर से। हाँ जी, कुमारसपुर से। ये कहाँ पे? रोहतक में? ना, सोनीपत। सोनीपत में तो मरथल के पास। क्या तकलीफ से आपके? मेरे कितने साल से था? मेरे ख्याल में 15-20 साल से था। फिर यहाँ आए, सारा परिवार आया? सारा नहीं, हम मैं यहाँ हूँ। दोनों आते हो आप? हाँ। तो आप में थी तकलीफ ज्यादा? ना, सारे में है, रास्ते हो रहे की भी कराए कट जाए। कट जाए आपकी? कट गई ना, रह रही थोड़ी रह रही है। हाँ। भी कट जाएगी। हाँ, एक तो के दिखा करता है कि मैं? हाँ, सब कुछ दिखा था। के दिखा करता? मानस आए? मानस दिखा कर दे, भूत दिखा कर दे, मानस दिखे भूत की से हुआ? मानसे हुआ भूत? हाँ, व्यस्त है। अच्छा। हाँ, तो के समस्या के पैदा करा करते हुआ? क्या समस्या पैदा करा कर? शरीर ने तोड़ दे कती? अच्छा,
बेकार बना देते, तड़के उठने जोगे ना रखे। अब वो आते नहीं, वो दिखाई नहीं देते। कितनी बार आ चुके आप यहाँ? मैंने 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए, समस्या खत्म हो गई। घर में सुख शांति आ गई? रह रही थोड़ी ही। थोड़ी सी रह रही है? अच्छा, वह थोड़ी सी पूरी करवा ले, बाबा करेगा पूरी। बाबा करेगा। चलो बहुत अच्छी बात, इतना यू नहीं नाचता हम भी, ऐसे नहीं आते। कुटिया छोटी मोटे घड़े वह बन रही। कहाँ से हैं जी आप? मैं रोहतक से हूं जी। क्या समस्या है? देखिए तार तोड़ोगे एक बार, रुकियो तार रेडी रही। क्या समस्या है जी आपके? मेरा बेटा है ये। अच्छा, इसको ले आ रहा पहली बार? ना, 2-3 बार हो गए। फर्क पड़ा है? अभी बाबा इनका था, 15-20 दिन में बाद फर्क पड़ेगा। अच्छा, मंदबुद्धि है ये। अच्छा, ये बैठा है ठीक हो जाएगा। मैंने गारंटी ली है, ठीक भी करूंगा। तो बाबा ने गारंटी ली तो ठीक भी करेगा इसी की बात से। तो बाबा जी शनिवार है आज? बाबा जी शनिवार है, शनिवार को पूछा तो नहीं देखते हो गए आप? झाड़ा झाड़ा लगाओ, झाड़ा भी लगाओ और नस नस भी दबाओ हो। नस तो जो ब्लॉक होता है ना, नस ब्लॉक है, जिसे ट्यूमर है, माइग्रेन नस ब्लॉक है, भीतर छोड़ी है, पैरों में दर्द है, उसका झाड़ा लगाओ। अच्छा, उसका झाड़ा लगाया जाता है। नस दबाऊंगा। अच्छा, नस शनिवार को? भाई एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट रुक जा। अच्छा, किस किस चीज का झाड़ा लगाओ शनिवार ना? आज तकरीबन सारी चीज हमारे छोड़ी का, शुगर का, पथरी का, बवासीर का, दौरे का, माइग्रेन नस ब्लॉक, गठिया बा, दिमाग में जो टेंशन, सब का। सब कोई भी तकलीफ हो चाहे, भूत प्रेत का भी आज जला गया है तो वरना लगे ना? वो है तो वरना। अच्छा, वो है तो वरना आज। अच्छा अच्छा, तो यानी के आज के दिन कितने भी आदमी आज के शनिवार ने कितने आओ? मंगलवार से शुक्रवार तक तो आपने कर दिया 50 तो ऊपर लोगों ने। हाँ, आज चाहे ट्राली भर भर आ जाओ, कितने आओ। अच्छा, तो इनने किस तरह निपटाओ फिर? मंगलवार ने भी क्या करो ना, तो इनके नस्त पानी है के बहुत फोन आओ नुके बाबा ने कहा कि मैं 100-200 तो करे ना 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 है इन में रात कर दे ही इनको इब बैठा है कम से कम आधा घंटा एक लेगा। हाँ, मैं दिन उन्हें को तुझा बड़ा कुछ न कुछ पूछ जाए जाना बताए जाना। अच्छा, तो बाबा जी जैसे ये मतलब शनिवार को झाड़े की भी 100 रुपये की पर्ची कटे है ना? हाँ, ये अच्छा भंडारे की भाई 100 रुपये की पर्ची, चाहे झाड़ा हो, चाहे भूताड़े हो, और चाहे भाई उस वैसे पूछा करने वाले हो, 100 रुपये की पर्ची कटती है सभी की। और ये बार बार पूछने की बात नहीं है, और कोई किसी तरह की समस्या यहाँ नहीं है, और किसी तरह का कोई कुछ नहीं लिया जाता कुछ भी। और ये भी इसलिए लिया जाता है कि रात को बहुत लोग रुकते हैं यहाँ पर, भोजन पूरा भंडारे के लिए लिया जाता है, खाना है, दिन में चाय पिलाते हैं, बिजली का बिल आता है, इतने कूलर पंखे चलते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए रात को दिन में खाना चलता है, रात को भी खाना खाते हैं लोग। बहुत सी जनता बाहर से आती है, 3-3 दिन रुक जाती है, इसलिए लेते हैं। और भाई इतना बड़ा घर किसी का कोनी, चाहे करोड़पति और 4 अरबपति और रोजाना 100-200 आदमी ना खाना खुआ के आपका घर ही सुवा ले, कोई कोनी। तो इसलिए ये पैसा इसीलिए लिया जाता है 100 रुपये प्रति, इसके आधार पर, उसके आधार पर ऐसा भी है कि नंबर लग जाता है और लोग तंग नहीं पाते, आपको समय दे दिया जाता है कि इस समय आए आप। तो बाबा क्या कहना चाहोगे मेरे भक्ता ने? एक छोटी सी 3 तारीख की पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, क्या उसके ऊपर कोई प्रोग्राम है? उस टाइम पर मैं नहीं मिलूंगा। और 3 तारीख को शायद सोमवार पड़ता है, सोमवार को कहां बच्चे देंगे ना गद्दी बैठेंगे? अच्छा, सोमवार को जो आएगा गद्दी पे, हाँ गद्दी गद्दी पे आ सकते हैं भाई, वो सोमवार को बच्चों वाले आते हैं वो आए, ठीक है बच्चे वाले, तू बैठ के दे दिए, तू दे दिए बेसिक, 13 दिन में आराम लगा, 13 दिन लगा, कोई बैठ के दे दो इसमें। अच्छा, ये सत की गद्दी बाबा की, ये शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की गद्दी है, कोई भी बैठ के सच्चे आत्मा बैठ के कोई भी दे दो उसको प्रदान परमात्मा देगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। और आजा मैं और बात से, कंजावला से, कंजावला से जी, क्या समस्या है आपको? मेरा चर्बी की गांठ है कमर में। कमर में? हाँ। अच्छा, आराम है पहले थे। काफी बड़ी है। हाँ। अच्छा, पेट की समस्या थी, वो पहले झाड़े में ही ठीक हो गई थी। पेट की समस्या पहले झाड़े में ठीक होगी? पहले में ठीक हो, या गांठ है पीछे, या इसमें फर्क है? इसमें फर्क है। अच्छा, पेट में क्या समस्या थी, कितने दिन से थी? वो तो काफी टाइम से थी। अच्छा। 10-12 साल से थी, आराम है। अच्छा,
पेट में समस्या, पहले जाड़े में खत्म हो गई। अब कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? तीसरी बार आए। चलो बहुत अच्छी बात, ये गांठ खत्म हो जाएगी, छोटी होगी, थोड़ी छोटी होगी, नरम भी हो रही है, नरम हो रही है। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात। 13 साल पहले आता मेरा चाण चक्के ध्यान भाई, पहले थोड़े पीछे पहले कोई काम था मेरे, वो पूरा हो गया था। अच्छा, काम बन गया था मेरा। आज से 13 साल पहले आए थे? हाँ जी, वो काम पूरा हो गया था आपका। अब ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। अच्छा, ये बीमार है 2 महीने से। अच्छा, इसको लेके आए? हाँ जी, इसको अच्छा। कोई दवाई नहीं लग रही। 13 साल के बीच में आ सुते नहीं, याद तो करते, फोन नंबर था मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो बाबा जी के पास, भाई से शेर में बैठे, 13 साल पहले काम बन गया था इसका, दूसरा है नहीं। झूठ थोड़ी बोल रहा जी। अच्छा चलो अच्छी बात, कहाँ से आप? रोहतक से। रोहतक से आज ये पहली बार लेके आए? ये दूसरी बार लाए। दूसरी बार लेके आए तो कुछ समाधान हुआ? पहली बार तो खाली चले गए, नंबर नहीं आ रहा, आज नंबर आएगा। ठीक है ठीक, चलो करवाऊ, बहुत बढ़िया। अच्छे बात कराऊ तारी, आप पहली बार आए हो आज? अच्छा, आज इन और बैठे हैं और बात कराते हैं। आप ही रोध गाँव से हैं? रोध गाँव से। रोध से 2-3 बार ही? क्या समस्या है बाबा? पहले तो घर की समस्या थी। अच्छा, पेट में झाड़ा लगाती आई। अच्छा, घर की समस्या ठीक होगी? हाँ जी। क्या एक बार तो होगी थी? 2 बार आई। अच्छा, अरे पेंडस का झाड़ा लगवाना आई है? हाँ, पहली बार आई है पेंडस का? तो मैं पहली बार आई। अच्छा, चलो चलो बहुत अच्छी बात, लगवाओ।